Google search. I think Google is answering all of our questions. Google is our doctor, Google is our teacher, Google is our friend, Google is, you know, anything how to do is Google and YouTube. Obviously, YouTube भी Google का ही product है. But guys, अगर आप career decision लेने जा रहे हो और आपने Google करके किसी institute में admission ले लिया या फिर शिक्षा.com की list पे आप trust कर रहे हो, let me tell you, ये आपको काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ सकता है. Because Google search जो है आज के time पे काफ़ी random हो चुका है. मतलब SEO, search engine optimization काफ़ी अच्छा काम करते हैं. तो जैसे ही आप किसी course के बारे में search करते हो, सबसे ज़्यादा जिस भी college या institute ने पैसे लगाए होंगे अपने SEO में, सबसे पहले आपको उस कॉलेज की वेबसाइट आ जाएगी जैसे ही आप कीवर्ड्स डालते हो. सो ये जो गेम है काफ़ी ज़्यादा मनी और मार्केटिंग वाला हो चुका है. सो गूगल सर्च अगर आप कर रहे हो गाइस, तो प्लीज़ प्लीज़ बी केयरफुल. बिकॉज ओवर द ईयर्स ऑफ काउंसलिंग, टॉकिंग टू पीपल, आई हैव रियलाइज कि दे रिग्रेट देयर डिसीजन कि मैम मैंने गूगल पे देख के ये वाला एडमिशन ले लिया, जैसा मैंने वेबसाइट देखा था उनकी प्रोमिसेस ऐसा कुछ भी नहीं था. यू नो दे आर नॉट ऑफरिंग इंटर्नशिप, द डिग्री इज नॉट वर्थ इट, आई हैव पेड लॉट ऑफ मनी, आई हैव वेस्टेड माई ईयर. सो गाइज, आई टेल यू फ्यू फैक्टर्स. जब आप गूगल सर्च करते हो तो आपको किस तरीके से चीज़ों का ध्यान देना चाहिए. एट द सेम टाइम अगर आपने गूगल से कुछ चीज़ों को शॉर्टलिस्ट किया तो उसको किस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो. सो गाइज, मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड, बिकॉज ये टिप्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी. फिर चाहे वो आप अपने लिए एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छा कोर्स, सिटी, जो भी चीज़ सर्च कर रहे हो, दिस टिप्स विल डेफिनेटली हेल्प यू टू यू नो शॉर्टलिस्ट द राइट इन्फॉर्मेशन. Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. If you're here on my channel for the first time, I make a lot of informative videos for students. So please do subscribe to my channel to get all the important information. So जैसे ही हम कुछ सर्च करते हैं, वी गेट फ्यू लिंक्स. जो फर्स्ट पेज पे लिंक आती है, जिसका भी SEO अच्छा होता है, ऑब्वियसली वो लिंक हमें सबसे पहले पॉपअप होती है. तो जो भी आपको लिंक आ रही है, गूगल सर्च इज़ नॉट बैड, बट हमें थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करना चाहिए उसमें. तो अगर कोई कॉलेज की लिस्ट आती है तो प्लीज़ डू नॉट ओपन दैट. बिकॉज कि अगर कोई कॉलेज का कीवर्ड पे वो आ गया, जैसे बेस्ट मीडिया कोर्स, तो अगर जो भी कॉलेज आपको फर्स्ट अगर लिंक आती है, सो देन इट्स एन SEO, विच इज़ क्लियर कि बिकॉज उन्हें अपना कोर्स सेल करना है. यू नीड टू रीड अ प्रॉपर आर्टिकल. कोई जैसे न्यूज़ आर्टिकल हुआ या कोई ब्लॉग हुआ, अगर वहाँ जाके आप पढ़ते हो और वहाँ पे किसी ने लिस्ट रिकमेंड की है, तो येस यू कैन कंसिडर दैट. एंड दूसरी चीज़ है फॉर द स्टूडेंट, जैसे कि शिक्षा.com हुआ, कॉलेज दुनिया, कॉलेज देखो ये वेबसाइट्स क्या है, काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सल है कॉलेजेस को लेके, लिस्टिंग को लेके, ऑब्वियसली दे आर अ प्रॉफिट मेकिंग यू नो वेबसाइट. तो इसमें क्या होता है कि जो कॉलेजेस उन्हें पैसे देते हैं, ऑब्वियसली दे पुट अप एन एड जिससे वो लीड जनरेट कर सकते हैं. तो शिक्षा क्या करता है, जैसे मैं कुछ बेस्ट कॉलेज टाइप करती हूँ, वो हमें एक लिस्ट दे देता है. अब मैं जब खुद मुंबई से हूँ, मैंने वो कॉलेज का नाम भी नहीं सुना होगा, वो टॉप टू में उन्होंने डाल दिया. एंड समटाइम तो ऐसे भी कॉलेज का नाम आ जाता है जिसमें वो कोर्स ऑफर भी नहीं होता, विच इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग. सो शिक्षा, कॉलेज दुनिया, कॉलेज देखो, इसमें सब में इन्होंने क्या किया है, काफ़ी ज़्यादा जेनरिक लिस्ट बना के डाल दिए. तो अगेन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है. तो अब आप मुझे पूछोगे कि मैम फिर करें तो करें क्या. तो नाउ एज आई सेड कि ब्लॉग या न्यूज़ आर्टिकल्स आप खोल सकते हो, वहाँ पर आप जाके यू नो शिक्षा, कॉलेज दुनिया से भी लेके एनालिसिस बना लो. उसके बाद वॉट यू कैन डू इज़ यू कैन गो ऑन लिंक्डइन. आप देख सकते हो कि अगर वो कॉलेज से किसी ने पढ़ाई किया या वो कोर्स किया है, उसकी प्रोफाइल क्या है, वो क्या कर रहा है, उसका जॉब रोल क्या है. आप कई तरीके की चीज़ों को सर्च कर सकते हो लिंक्डइन पे जाके. देन यू कैन गो ऑन यूट्यूब एंड वॉच वीडियोज, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर मेकिंग एजुकेशनल वीडियोज, जैसे कि मैं भी वीडियोस बना रही हूँ. सो विद माय नॉलेज एंड स्टूडेंट रिव्यू एंड लॉट ऑफ रिसर्च गोइंग इन, ग्राउंड रिसर्च के बाद आई गिव यू टॉप 10 लिस्ट ऑफ द कॉलेजेस प्लस द कोर्सेज प्लस उसमें एग्जैक्टली क्या होता है. प्रॉपर रिसर्च के बाद आई मेक दैट लिस्ट. सो अगर आप जिस भी पर्सन का यूट्यूब चैनल देख रहे हो, प्लीज़ मेक श्योर कि आप उनका बैकग्राउंड देखो. अब कोई स्टूडेंट आके किसी कॉलेज के बारे में बात करने लगे, या फिर यू नो अगर वो खुद ही एक स्टूडेंट है और वो 10 कॉलेजेस के बारे में आपको बोल रहा है विदाउट हैविंग अ नॉलेज ऑफ वॉट इज हैपनिंग, then you might again land up into trouble. So जिस भी YouTube चैनल को आप देख रहे हो, LinkedIn प्रोफाइल को आप कंज्यूम कर रहे हो, या Google लिंक्स देख रहे हो, आप प्रॉपरली उनका बैकग्राउंड देखो कि ये बंदा या बंदी कौन सी बेसिस पे आपसे बात कर रहा है. डू दे हैव द क्रेडिबिलिटी टू टॉक अबाउट सर्टन टॉपिक, बिकॉज कोई भी टॉपिक पे बात कर लेना तो वही हो गया ना कि गूगल सर्च से हमने उठा के आपसे बात कर ली.
सो वो इन्फॉर्मेशन वो बंदा कौन सी बेसिस पे दे रहा है वो उनके प्रोफाइल की क्रेडिबिलिटी पे डिसाइड होती है. सो यू कैन ऑलवेज डू अ प्रोफाइल रिसर्च ऑफ द पर्सन दैट यू आर कंज्यूमिंग कि वो खुद क्या करते हैं. दूसरा, लिंक्डइन पे आप काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़ सकते हो और कॉलेज के स्टूडेंट्स से आप लिंक्डइन पे भी कनेक्ट करके आप रिव्यू पूछ सकते हो. लाइक यू नो, कई बार ऐसा होता है कि हम 10 लोगों को मैसेज करेंगे या क्वेश्चन पूछेंगे बट 2 रिप्लाएंगे. दैट्स परफेक्टली ऑलराइट, बिकॉज हो सकता है कि यू नो सम पीपल डोंट लाइक टू रिप्लाई टू अननोन पीपल, बट वी कैन ऑलवेज मेक एन अटेम्प्ट कि 10 में से एक तो रिप्लाई कर देगा. सो यू विल गेट अ रफ आइडिया. एंड रेस्ट ऑफ द थिंग गाइस, आई डू मेक अ जेन्युइन ऑनेस्ट रिव्यू अबाउट द कॉलेजेस. यू कैन वॉच द रिव्यू ऑफ द कॉलेजेस कि बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन पे बनाई गई है, इट्स नॉट एनी पेड प्रमोशन. तो आप वो देख सकते हैं बिफोर टेकिंग एडमिशन और यू नो बिफोर टेकिंग दैट क्रूशियल डिसीजन अबाउट योर लाइफ. सो इफ यू आर टेकिंग डिसीजन ऑन गूगल सर्च, आई जस्ट वॉन्ट टू से कि ये पैरामीटर्स का आप ध्यान दें, आप थोड़ा सा और R&D करें, आप कोशिश करें कि आप किसी पर्सन से कनेक्ट करके उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन निकाल पाएं. एंड स्पेशली जो अपने बंदे होते हैं वो आपको कभी सच नहीं बताएंगे. मतलब ये मैंने देखा है, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स कभी ज़्यादा काम नहीं आते, बट कोई एक अननोन होता है जो आपको ज़्यादा हेल्प कर देता है. सो यू कैन ऑलवेज ट्राई टू रीच आउट पीपल ऑन इंस्टाग्राम, ऑन लिंक्डइन एंड ट्राई टू गेट द इन्फॉर्मेशन. Also, you can get in touch with my team. अगर आप 1-on-1 counseling session के लिए connect करना चाहते हो, चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो, career prospect हुआ या best college हुए, मुंबई में कैसे survive करना है, पुणे में कौन सा अच्छा college है, journalism में career कैसे क्या बना सकते हो, I can help you with all the information. So you can get in touch with me. There's a number in the description box. उस पर आप एक message drop कर दीजिए. My team will get back to you with all the details. I hope guys the video was helpful. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.